अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कि 761 का जो फ्रेम है, आगे वाला कटर फ्रेम और नीडल बार, इसको ग्रीस करने का तरीका बताने के लिए इसको खोला था। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इसको अब इसको लगाऊंगा और इसकी फिटिंग करूँगा और आपको साथ साथ बताऊँगा कि आपने कहाँ कहाँ पर इसको ग्रीस लगानी है, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से आपकी मशीन जो है वो काम करे। ठीक है, यहाँ पर ये देखें दोस्तों, आपने यहाँ तक इसको खोल लेना है जहाँ तक मैंने आपको बताया है। इसको खोलने के बाद आपने यहाँ पे, जैसे पिछली वीडियो में हमने शावर के साथ इनको ऑयल लगाया था, उसी तरह हम यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से ऑयल लगाते हैं। ताकि हर जगह पे अच्छे तरीके से ऑयल चला जाए। अब इसके बाद यहाँ पे ये देखें, इसका जो बैरिंग है, ये वाला जो कुंडी के अंदर होता है, हमने इसके ऊपर ग्रीस लगानी है। इसके ऊपर ग्रीस लगा के इसको ग्रीस से भर लें। भरने के बाद यहाँ पे इसके अंदर डालें। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह। और यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि एक साइड पे इसके अंदर नफी का निशान लगा हुआ होगा, ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये वाला। इसको आपने अंदर की तरफ करना है ऐसी। ठीक है, अब यहाँ से करने के बाद इसके ऊपर जो इसका पेच है उल्टी चूड़ी का, आपने उसको लगाना है। ये देखेंगे लग गया है, इसको हम टाइट करेंगे। इसको टाइट करने के बाद ये देखें आपकी जो मशीन है, ये बिल्कुल लूज है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएं, ग्रीस इसके अंदर लगा दें। इसके अंदर ग्रीस लगाने के बाद यहाँ पे ये देखें, ये इसका जो नीडल बार है, फ्रेम है और नीडल बार है, इसको हमने बाद में लगाना है। पहले हम इसका जो कटर फ्रेम है उसको लगाएंगे। ये देखें, यहाँ पे आप थोड़ी सी ग्रीस इसके अंदर यहाँ पे लगा दें। इसको ज़्यादा नहीं लगाना आपने, क्योंकि जब आपकी मशीन चलेगी तो ये पिघल के नीचे आती रहेगी। इसको सिर्फ आपने थोड़ा थोड़ा लगाना है, ताकि ये बस आवाज़ ना दे। ये देखें ऐसी। ठीक है, इस तरह आप ये वर्किंग करेगी। तो आपने इसको एक बार फिर से ऐसे चेक कर लेना। चेक करने के बाद यहाँ पे इसकी जो ये वाली पिन है, यहाँ पे लगाएं। लगाने के बाद यहाँ पे इसको डाल के इसका पेच यहाँ पे लगा दें। इसके पेज को अच्छे तरीके से टाइट कर दें। ये देखें, ये जैसे मैंने कर दिया है। ठीक है, इसके बाद इसका जो ऊपर वाला लॉक है, इसको लगा दें। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बता रहा हूँ, आपने सेम ऐसे ऐसे कर लेना है। इसको यहाँ पे बराबर करके यहाँ पे इसके पेज को टाइट करके दोनों पेजों को लगा देना है। और अब आपने यहाँ से इसके जो नीडल फ्रेम है इसको लगाना है, और यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा दें, ग्रीस लगा दें या ऑयल लगा दें। इसको लगाने का यहाँ पर इसके अंदर करके इसको यहाँ पर इसकी ये वाली जो पिन है इसमें आपने डालना है इसको।
दे दें, ठीक है। अब इसके तक को सीधा करके यहाँ से ऊपर वाला जो पेज है इसको टाइट कर दें, और यहाँ से इसका जो लॉक है कटर का लॉक पे लगा के फिर इसके ऊपर वाला ये वाला लॉक यहाँ पे लगा के इनके पेज लगा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, तो अगर आपको समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।